टाइम मैंने मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई नेक्स्ट वीडियो में क्या बना मुझे कमेंट्स में बताओ। अब यार इसके बाद आपका जो रिस्पांस आया भाई कमेंट्स में उसको देख के तो मैं हैरान ही हो गया भाई। सब लोगों ने एक ही कमेंट किया भाई रेंज सिमुलेटर फॉर एंड्रॉइड। हालांकि और गेम्स के लिए भी कमेंट्स थे बट सबसे ज्यादा भाई रेंज सिमुलेटर गेम के लिए ही थे। फिर क्या मैंने स्टार्ट कर दिया भाई रेंज सिमुलेटर गेम ढूंढना अपने एंड्रॉइड के लिए। भाई इस बीच में कोई ऐसे ऐसे पित्ती से गेम मिले थे जिसके अंदर स्क्रीनशॉट बिल्कुल रेंज सिमुलेटर वाले जिसका लोगो एकदम अच्छा बट गेम के अंदर खोल के देखा तो भाई गेम के अंदर कुछ नहीं है, कबाड़ भर रखा है। तो हाँ यार काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे मिल जाता है एक ऐसा गेम जो कि भाई रेंज सिमुलेटर जैसे ही अपने एंड्रॉइड के लिए। बाकी यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही गेमिंग वीडियोस देखने के लिए भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गो फॉरवर्ड चलते भाई गेम के अंदर। Alright guys, अभी फिलहाल हम आ चुके हैं गेम के अंदर। वेलकम टू रेंज सिमुलेटर 2023। हाय देयर, वेलकम बैक टू रेंज सिमुलेटर 2023। योर रेंज एंड एनिमल्स वर वेटिंग फॉर यू, लेट्स कंटिन्यू। Alright, तो अभी फिलहाल हम आ चुके हैं गेम के अंदर। भाई गेम के एक बार ग्राफिक्स देखो भाई आसपास के, ये देखो ये रहा हमारा घर। बाकी यार रेंज सिमुलेटर जो आपने पीसी वाला देखा है उसके अंदर हमें खुद बिल्ड करने पड़ती है सारी चीजें, जैसे कि हाउस वगैरह है इसके अंदर भाई आपको सब बिल्ड मिलेगा ऑलरेडी। बाकी मैं आपको यहाँ का इंटीरियर दिखाता हूँ अपने हाउस का। भाई क्या ही मस्त इंटीरियर, यहाँ पर एक गोदरेज रखा हुआ है, यहाँ पर भाई हमारा बेड है, सोफा है, चेयर है, भाई सारी की सारी चीजें। बाकी यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसकी मदद से हम अपने रेंच को संभालते हैं। यहाँ से हम रेंच की हर एक चीज देख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आया तो उसे हम यहाँ से सेल कर सकते हैं अगर वो हमारे पास प्रोडक्ट है तो। यहाँ पर देखो एग्स का चिकन का ऑर्डर आया लेकिन ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं तो इसे हम सेल नहीं कर पाएंगे। बाकी इसी के साथ रेंच फार्म्स के अंदर है हमारे पास टोटल 6 फार्म और यहाँ से बैठे बैठे हम एक एक फार्म की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि किसी फार्म के अंदर अगर फूड वगैरह खत्म हो जाता है तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो किसी फार्म के अंदर कोई एनिमल है भाई जो कि भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, वो सारी चीजें भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक शॉप का ऑप्शन है जहाँ से हम अपने एनिमल्स वगैरह के लिए फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो गई लेकिन गेम के अंदर भाई क्या क्या मस्त मस्त अपडेट्स आने वाले हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी है। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अपडेट्स आर कमिंग सून, इन अपडेट्स यू विल बी एबल टू अपग्रेड योर होम एंड फार्म बिल्डिंग। अभी जो हमारे पास होम है और जो फार्म बिल्डिंग से भाई उन्हें हम अपग्रेड नहीं कर सकते लेकिन फर्दर अपडेट आने के बाद हम अपने होम को और फार्म बिल्डिंग्स को भाई अपग्रेड कर सकते हैं नहीं भी कर पाएंगे। इसी के साथ साथ वी विल ऐड सिटी मैप सो दैट यू कैन बाय और ओन कार्स एंड शॉप्स इन द सिटी। भाई साहब अपडेट आने के बाद इस गेम के अंदर हम कार्स वगैरह भी परचेज कर पाएंगे। जैसे कि आपने पीसी वाले रेंज सिमुलेटर के अंदर देखा होगा ना वहां पर एक डीलरशिप थी जिसके अंदर हम कार वगैरह परचेज कर सकते हैं तो हो सकता है भाई ऐसा कुछ इस गेम के अंदर भी आ जाए। इसके साथ यू विल बी एबल टू बाय लोडर जीप्स एंड लोड प्रोडक्ट्स एंड सेल देम टू मार्केट। अगर आपने भाई रेंज सिमुलेटर पीसी वाले की वीडियोस देखी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा मार्केट के अंदर एक शॉप रहती है जहां पर से हम अपनी रेंज का कुछ सामान वगैरह ले जाते हैं जैसे एग्स वगैरह चिकन वगैरह तो हम वहां पे जाकर उसे सेल कर देते हैं। वही सारी चीज इस गेम के अंदर भी आने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल ऐड फॉरेस्ट वेयर यू कैन गो एंड हंट वाइल्ड एनिमल्स एंड कलेक्ट मीट। यार मैं क्या ही बोलूं इस गेम के बारे में, अगर ये सारी चीजें जो लिखी है यहाँ पर ये गेम के अंदर आ जाती है तो लिटरली यार सारे के सारे मोबाइल गेमर्स इसको गेम को खेलने के लिए तुरंत आ जाएंगे और ये गेम वन ऑफ द बेस्ट सिमुलेटर गेम बन जाएगा एंड्रॉइड के लिए। बाकी एक सेकंड, यहाँ पर एक हेलीपैड बना हुआ है। हेलो भाई हेलीकॉप्टर है क्या मेरे पास? पता नहीं भाई हेलीकॉप्टर हो सकता है। बाकी यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास फर्स्ट पोल्ट्री फार्म, ये देखो भाई ये रहा हमारा पोल्ट्री फार्म। यहाँ पर इनका पानी रखा हुआ है, यहाँ पर दाना पानी का हमें पूरा ध्यान रखना है भाई, इनका अगर दाना पानी खत्म हो जाएगा तो भाई ये मर जाएंगे। बाकी ये देखो ये रखा है इनका फूड जो कि अभी 58% है, इनका 0% होने से पहले हमें इसके अंदर फूड रिफिल करना। बाकी ये देखो भाई ये रहे अंडे जो कि इन मुर्गियों ने शायद हाल ही में दिए होंगे, मैंने अभी फटाफट से कलेक्ट तो कर लिए। फटाफट चलते भाई पोल्ट्री फार्म से बाहर। अभी फिलहाल हमारे पास अंडे आ चुके हैं और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने दिखाया था आपको एक्स का हमारे पास ऑर्डर आया था, देखते हैं यार वो ऑर्डर हमारे पास अभी भी है या फिर नहीं। ये देखो भाई ऑर्डर अभी भी हमारे पास है, हमारे पास टोटल यूनिट्स है भाई 6 और हमें जो डिलीवर करनी है वो है 5, तो ओके आराम से कर देंगे। और अभी हमें एक एग की वैल्यू पता है कितनी मिल रही है? $7। एक एग बेचने पे हमें $7 मिल रहे हैं जो कि यार लिटरली बहुत ज्यादा है भाई, हमारे इंडिया में तो 7 रुपीज में एक एग आ जाता है। बाकी अभी हमारे पास जो एग का ऑर्डर था वो हमने कम्प्लीट कर दिया और हमने 5 एग्स बेच दिए जिसकी हमें टोटल वैल्यू $35 हमें मिल चुके हैं। इसी के साथ आज का दिन होता है यहीं पर खत्म। और भाई नाइट व्यू देखो एक बार इस गेम का, भाई ऐसा लग रहा है दुबई के पास कोई गाँव सी के अंदर रह रहे हैं हम। बाकी अभी रात काफी हो चुकी है तो फटाफट चलते हैं भाई सोने के लिए।
गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका और मैंने कल आपको पोल्ट्री फार्म दिखाया था, उसी की तरह हमारे पास पांच अलग अलग और फार्म्स भी है जो कि मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। बाकी ये देखो, पोल्ट्री फार्म के अंदर मुझे मिल चुके हैं दोबारा कुछ अंडे। बाकी यहाँ पर एक कुआं जहाँ से हमें पानी को भरना है, और जो पोल्ट्री फार्म के अंदर भाई पानी की कमी हो चुकी है तो वहाँ पर हमें डाल के आना है यार पानी। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैंने बाल्टी भर के पानी ऊपर खींच लिया है भाई कुएं में से। अभी फिलहाल इसको लेके चलते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर। उसके अंदर भाई पानी की कमी हो चुकी है। यहाँ पर देखो भाई 16% वाटर रिमेन था भाई, मैंने फटाफट से यहाँ पर रिफिल कर दिया, 100% वाटर हो चुका है। बाकी पोल्ट्री फार्म के बाद आता है हमारे पास शीप फार्म, जहाँ से आई थिंक हमें वूल मिलेगी। ये देखो भाई शीप फार्म के अंदर भाई काफी सारी शीप यहाँ पर पल रही हैं। बाकी यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी वूल नजर नहीं आ रही है यार, देखते हैं यार, हो सकता है बाद में मिल जाए। शीप फार्म के बाद आता है हमारे पास पिग फार्म। अब ये नहीं पता भाई मेरे को पिग से क्या मिलने वाला है यार, पता नहीं ये पिग हमें क्या ही देंगी भाई। अगर आपको पता है पिग से हमें क्या मिलने वाला है पिग फार्म से तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अभी फिलहाल हमारे पास एनिमल्स का फूड खत्म हो रहा था तो मैंने एनिमल्स का फूड मंगाया था। और ये देखो भाई, इस हेलीपैड का काम ये है, यहाँ पर एक ड्रोन से भाई हमारा ऑर्डर आता है जो हमने मंगाया था वो यहाँ पर आके गिरता है। लेट्स गो भाई, काफी इंटरेस्टिंग चीज है यार ये तो। बाकी यार यहाँ पर हमारे पास एक टोमेटो फार्म भी है जहाँ से हम टोमेटो वगैरह कलेक्ट भी कर सकते हैं। टोमेटो फार्म के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक व्हीट फार्म भी है जहाँ से हमें व्हीट मिलेगा और उसे हम सेल कर पाएंगे। तो हाँ, इसी तरह की यहाँ पर एक दो फार्म और भी है, जैसे की ये रहा एक हनी फार्म जहाँ से हम हनी कलेक्ट करेंगे और हनी को बेच देंगे। बाकी अभी हमें इस गेम के अंदर कोई भी चीज बेचनी होती है तो अभी हम उसे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से ही बेच देते हैं, लेकिन अपडेट आने के बाद हमें सिटी जाना हुआ करेगा भाई। उसके बाद हमें मार्केट के अंदर भाई वो चीज लोड करके ले जानी पड़ा करेगी और वहां जाके हम बेच के आया करेंगे, तो वो चीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो यार आई होप आपको ये गेम जरूर पसंद आया हो। अगर आपको ये गेम पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही गेमिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी यार इस गेम के अंदर जैसी अपडेट आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।